बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। निगोही में लिंटर का कुछ हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में महिला और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं 2 साल की बेटी की मौत हो गई है। बता दें कि घर के एक कमरे में परिवार के लोग सो रहे थे, वहीं घायल माँ बेटे की रोने बिलखने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग भी आए और तीनों को सपा विधानसभा अध्यक्ष की मदद से CHC पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया और घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कल रात्रि में थाना निगोही अच्छे को रहने वाले राजेंद्र पाल पुत्र हीरालाल ग्राम हरपुरा के घर की छत का लिंटर गिर गया था, जिसमें राजेंद्र पाल, उनकी पत्नी शिवा सिंह का पुत्र और 2 वर्ष की पुत्री दब गए थे। इसमें उनकी पुत्री 2 वर्ष की, उसकी मृत्यु हो गई। बाकी घायल हैं, इनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और इस पूरे घटना की सूचना उनके थाने पर नहीं दी गई थी। प्रकरण की जांच होने पर मौके पर पुलिस गई और उसने प्रकरण की जांच की जा रही है। जो घायल उनका इलाज चल रहा है, फिलहाल अभी वो स्टेबल है। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा महापंचायत का आयोजन इको गार्डन में किया गया, जिसमें किसान के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और भारी संख्या में पूरे भारत में किसान इकट्ठा हुए। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और खाद, बीज, डीजल और पर GST हटाने की मांग की गई। पाल, मैं चौधरी सुशील पाल काकोरी मोड़ लखनऊ से हूँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर। मेरी मांगे हैं बिजली, जो बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं उनमें मीटर भाग रहा बहुत तेजी से, मीटर चेंज किए जाएं। हमारे किसानों का गन्ना का भुगतान नहीं हो रहा, मुजफ्फरपुर है, रामपुर है, गन्ना का मूल्य बढ़ाया जाए। बाकी किसानों की मांग है कि जो गौशाले हैं वो बनवाए जाएं, गैया और सड़वा बहुत नुकसान कर रहे हैं, यही मांगे हैं। सरकार तो लगातार ये कह रही है कि किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, उनकी आय दुगनी तिगनी कर रही है। खाली गेहूं चावल बांट रहे हैं, वो गेहूँ चावल बांट रहे हैं। तो सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं हमारे किसानों का अनाज महंगा बिके, गन्ना का मूल बढ़ाया जाए, गन्ना का भुगतान हो, MSP बिल तो वापस हो, उसे मोहर नहीं अभी लगी, आजादी को तैयार नहीं है, वो गुलामी करने को तैयार नहीं। 75 साल में सबने हमें छिला और छला है, हमारे अधिकारों की प्राप्ति में किसी ने हमारा साथ नहीं दिया है। बातें की है लेकिन कोई काम नहीं किया है। इसलिए हम लोग बहुत साफ तौर पे NDA हो या इंडिया हो, जो भी हमारी बांदा में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी कार्यालय परिसर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि गिरवा क्षेत्र के ग्राम जर्जर में ब्लास्टिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते जब बच्चे स्कूल से आते हैं तब ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। पदाधिकारियों ने अवगत कराया कि ब्लास्टिंग का कार्य मानक के अनिरुद्ध नहीं हो रहा है। जी भैया, क्या नाम है आपका और किन मांगों को लेकर के आए आप आए? बलराम तिवारी, मंडल अध्यक्ष, चित्रकूट धाम मंडल बांदा, भारतीय किसान यूनियन अराजनीति। आज 3 विषयों को लेकर के हम DM साहब के पास आए थे और DM साहब मिले नहीं, और ADM साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इन पर कार्रवाई करेंगे। एक मामला पचोखर गाँव से था कि उस गाँव में प्रधान और सचिव के द्वारा कूड़ादान बनवाया जा रहा है, जबकि बारात घर और वहीं पर आंगनवाड़ी केंद्र, जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, खाना बनता है वहाँ पर, वहीं पर सचिवालय है, उसी की दीवार से सटा करके उसी कंपाउंड के अंदर कूड़ादान बनवाया जा रहा है। जबकि हमेशा कूड़ादान जब वहाँ पर बन जाएगा तो संक्रमण फैलने की आशंका रहेगी, बच्चे बीमार पड़ेंगे, तो उस जगह से हस्तांतरण कर अन्य जगह पर बनाया जा सकता है कूड़ादान, और बच्चों का स्वास्थ्य के लिए बेहतर के लिए काम किया जा सकता है। इस विषय पर आए थे। और दूसरा विषय था हमारा ग्राम जरर से, जो पहाड़ की ब्लास्टिंग 2 इंच होल की होती है, उसमें 4 इंची होल करके असमय
पर ब्लास्ट किया जाता है। जब बच्चों को छुट्टी का समय होता है 2-3 बजे, उस समय ब्लास्ट कर देते हैं बिना जानकारी के। तो महोदय से हमने आग्रह किया है कि 2-4 इंच जो ब्लास्ट किया जा रहा है होल, तो उसको 2 इंच कराया जाए और उसको 5 बजे के बाद करवाया जाए कि ताकि अप्रिय घटना होने से बच सके। और एक मामला हमारा यहाँ पर ग्राम सिलेहटा चल रहा, तो इसमें चकबंदी का मामला है। इसमें चकबंदी में हुआ क्या है कि उस गांव में सिलेहटा में चकबंदी चल रही थी और चकबंदी लगभग हजार बीघे की पैमाइश हुई नहीं, और 7/15/2023 को वहां पर यहां के नायब साहब और सीओ साहब और कानून गो साहब ये चकबंदी। चित्रकूट में तेज रफ्तार बाइक सवार ने दूसरे बाइक सवार को जोरदार ठोकर मारी, जिसके चलते दूसरा बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहाड़ी थाना क्षेत्र के बसहर गांव का मामला बताया जा रहा है। एक्सीडेंट हुआ है, ये जा रहा था, उधर से बाइक आ रही थी, उसका पैर का टक्कर लग गया है। वो मना किया कि अपनी साइड में रहो, नहीं रहा अपनी साइड में, कहा मार डालेगा क्या, तो इतना हाथ देते देते मार दिया। जब मार दिया ये गिर गया, वो भाग गया होगा। तो जब मार दिया तो वो भागने का सोचा, भागने भागी ही गया कि स्टेट पर जो है बाइक चढ़ गई सर पे, एक और पड़ा। क्या नाम है इनका? अखिलेश। कहाँ के रहने वाले हैं ये? बांदा का सर। ये यहाँ कहाँ आ रहे थे? यहाँ कहाँ आ रहे थे? यहाँ ससुराल है सर हमारे छोटे मझले भाई के, ये सबसे छोटा है। तो कहाँ? जिला है, जिला है। किस गाँव से सर? चौड़ा में? नहीं सर, ये मतलब जो है पहाड़ी से बसहर जा रहा है। अच्छा, पहाड़ी के पास एक्सीडेंट बसहर के पास हुआ? हाँ बिल्कुल, बसहर। खबर बांदा से है, जहां शहर मुख्यालय के ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग में आर्यावर्त बैंक के शाखा कैशियर रामाकांत त्रिपाठी सेवानिवृत्त हुए लोग ने फूल मालाओं के साथ नम आंखों से विदाई दी। इसके साथ ही विदाई समारोह में बैंक के शाखा मैनेजर आकाश सचान अपने सहकर्मियों समेत उपस्थित रहे। इस अवसर पर विदाई समारोह कार्यक्रम मवई बुजुर्ग के नीलकंठ मैरिज लॉन में संपन्न हुआ।